हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका विद फरहत। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। एक बहुत ही फेमस डिश है और आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और ये इतनी क्रिस्पी और इतनी अच्छी होती है टेस्ट में कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसके लिए। यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg फ़िश, ये रोहू फ़िश है, आप चाहें तो कोई भी फ़िश ले सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, कूटी काली मिर्च 1/4 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस। सबसे पहले हम फिश को करेंगे मैरिनेट, तो डाल देते हैं इसमें सारे सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, अच्छे से मिक्स कर लें इसे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। आपके पास टाइम हो तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। जितना ये ज़्यादा मैरिनेट होगा इसका टेस्ट उतना ही बेटर होगा। फिश की कोटिंग के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए होगा चावल का आटा 2 छोटे चम्मच। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चावल को ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी इसका पाउडर बना सकते हैं। 1 चम्मच हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। बेसन हमें चाहिए होगा 150 ग्राम। ये 1 इंच इमली के पल्प को मैंने पानी में घोल कर रखा है। नमक 1/2 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, यहाँ खड़क ज़ीरा मैं यूज़ कर रही हूँ, कसूरी मेथी 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे ये बेसन, चावल का आटा, सारे ड्राई स्पाइसेस, कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक और ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इमली का पानी, पल्प हम निकाल देंगे, पानी डाल देंगे। पानी ऐड करके धीरे धीरे हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर हमारा तैयार है, ये देखिए, इसे मैंने बनाया है 1 कप पानी डालकर। इसकी कंसिस्टेंसी हमें देखिए, ज़्यादा ना पतली करनी है ना गाढ़ी करनी है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। फिश हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसे अब हम डालेंगे बेसन के बैटर में। अच्छे से बेसन इस पे हम कोट करेंगे और इसे हम डाल देंगे गरम तेल में फ्राई करने। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, चटनी हम डाल देते हैं। शुरुआत में इसका फ्लेम हम हाई रखेंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। फिश को हम लो फ्लेम पे तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अच्छे से। ये देखिए हमारा फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से कलर आ गया इसका, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा लाहौरी फिश फ्राई। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।